हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस सिटी। इस वीडियो में आपको बताने वाले गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर है जो कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन इस वीडियो को ना कंप्लीट देख। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे ना गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। अगर आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो सितंबर 2, क्लोजिंग डेट की बात करें तो सितंबर 4। अगर आईपीओ की टोटल इशू साइज की बात करें तो वो है 167.93 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 135.34 करोड़ की एंड ऑफर फॉर सेल है 32.59 करोड़ की। अगर आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें ना तो वह सितंबर 5, फंडिंग डेट की बात करें तो वह सितंबर 6। आईपीओ एनएससी एनबीएससी पे ना सितंबर 9 को लिस्ट हो जाएगी। वही अगर आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो वह 503 से 529 पर शेयर। अगर आप कोई नया रिटेल इन्वेस्टर है एंड 1 लॉट बाय करते हैं देन आपको ना 28 शेयर्स अलॉट होंगे। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना वो होगा 14,812। नेक्स्ट हम जानेंगे ना गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की कंपनी। आपको यदि गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड ना 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये मेनली क्या मैन्युफैक्चर करती है? ये मेनली ना प्रिसीजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, लाइक डिस्क हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, कॉयल हो गया, स्पाइरल स्प्रिंग्स हो गया। ये सारे साथ फास्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटोमोटिव हो गया एंड जनरल इंजीनियरिंग। कंपनी का ना काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है कंट्रीज लाइक जर्मनी, चाइना। सबसे फर्स्ट नहीं अपना एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट बनाना चाहती है तमिलनाडु, उसमें यूज करेंगे। सेकेंड, इनका जो एक्जिस्टिंग प्लांट है ना इन महाराष्ट्र को मेंटेन करने जो है फंडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसमें यूज करेगी। थर्ड, इनका जो भी बोरिंग्स है ना प्रीवियस बोरिंग्स उसको वो रीपेमेंट करने में यूज करेगी एंड फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। नेक्स्ट हम जानेंगे ना क्या इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। अगर कंपनी का मार्केट रीच की बात करें ना तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ इनकी फाइनेंशियल्स को देखें तो वो भी काफी सॉलिड है एंड इनके पास भी क्लियर प्लान है फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। अब आप हमें ना कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस आईपीओ के बारे में जान सकें।